साथियों, पहले किसानों की जमीनों को लेकर जिस तरह की गड़बड़ियां होती थी, उसे वो भी प्रोजेक्ट की देरी में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती थी। यही आसपास पहले की सरकारों के दौरान अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए किसानों से जमीन तो ली गई, लेकिन उनमें या तो मुआवजे से जुड़ी समस्याएं रही या फिर सालों साल वो जमीन बेकार पड़ी है। हमने किसान हित में, प्रोजेक्ट के हित में, देश के हित में इन अड़चनों को भी दूर किया। हमने ये सुनिश्चित किया कि प्रशासन किसानों से समय पर पूरी पारदर्शिता के साथ भूमि खरीदे और तब जाकर 30,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का आज हम भूमि पूजन करने के लिए आगे बढ़े हैं। साथियों, आज हर सामान्य देशवासी के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। देश का आम नागरिक हवाई सफर कर सके, ये सपना भी आज उड़ान योजना ने सच कर दिखाया है। आज जब कोई साथी खुश होकर कहता है कि अपने घर के पास के हवाई अड्डे से उसने अपने माता पिता के साथ पहली बार हवाई यात्रा की है, जब वो अपनी फोटो को साझा करता है, तब मुझे लगता है कि हमारे प्रयास सफल है। मुझे खुशी है, अकेले यूपी में ही बीते वर्षों में 8 एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू हो चुकी है, कई पर अभी भी काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना, खुद का, परिवार का, या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। यूपी के लोग गवाह है, देश के लोग गवाह है। बीते कुछ हफ्तों में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किस तरह की राजनीति हुई, लेकिन भारत विकास के रास्ते से नहीं हटा। कुछ समय पहले ही भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज से कठिन पड़ाव को पार कर गया है। इसी महीने की शुरुआत में भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य का ऐलान किया है। कुछ समय पहले ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया। यूपी में ही एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करके देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। महोबा में नए डैम और सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, तो झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के काम ने गति पकड़ी। पिछले हफ्ते ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी वासियों को समर्पित किया गया। उससे एक दिन पहले ही हमने जनजातीय गौरव दिवस मनाया। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही भव्य और आधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया गया। इसी महीने ही महाराष्ट्र के पंढरपुर में
सैकड़ों किलोमीटर के नेशनल हाईवे का लोकार्पण कर और शिलान्यास किया गया। और अब आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ है। हमारी राष्ट्रभक्ति के सामने, हमारी राष्ट्र सेवा के सामने कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति कभी टिक नहीं सकती। साथियों, आज देश में 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक आधुनिक प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। यही गति, यही प्रगति एक सक्षम और सशक्त भारत की गारंटी है। यही प्रगति सुविधा सुगमता से लेकर सामान्य भारतीय की समृद्धि को सुनिश्चित करने वाली है। आप सभी के आशीर्वाद से, डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से यूपी में इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे इसी विश्वास के साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की फिर एक बार बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।